भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की बात करें जैसे खेसारी, निरहुआ, पवन, मनोज तिवारी और रवि किशन, तो इन सभी सुपरस्टारों का दबदबा साफ साफ हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने और सुनने को मिलते रहता है। आज आलम ऐसा है कि इन सुपरस्टारों की फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी सुपरस्टारों को उनकी पहली फिल्म कितने उम्र में मिली? इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी के अलावा रवि किशन को उनकी उम्र में कितनी उम्र में इन सभी सुपरस्टारों को फिल्म करने का मौका मिला। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने अपने फिल्मी सफर के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया है। सबसे पहले उन्होंने गायकी में अपना हाथ आजमाया। गायकी में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में अपना पहला कदम रखा और जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल और ये फिल्म उनको 25 साल की उम्र में मिली थी। खेसारी लाल यादव ने अपने स्ट्रगल भरे दिनों में काफी मेहनत भी की है और एक फिल्म पाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म के मिलने के बाद से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमा लिया था। और माना जाता है कि खेसारी लाल यादव को जब पहली फिल्म मिली थी, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और खेसारी लाल यादव ने लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज खेसारी लाल यादव का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जाने माने अभिनेता के तौर पर लिया जाता है। दूसरे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें तो निरहुआ की पहली फिल्म थी चलत मुसाफिर मोहलिया रे, जो उन्हें 27 साल की उम्र में मिली थी। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन निरहुआ की यह पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस करने में कामयाब साबित हो पाई थी। तीसरे अभिनेता की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह, तो पवन सिंह की पहली फिल्म थी रगली चुनरिया, जो उन्हें 21 साल की उम्र में मिली थी। आज पावर स्टार की फिल्मों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और पवन सिंह की फिल्मों में ज्यादातर एक्शन सीन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही चौथे अभिनेता मनोज तिवारी की बात करें तो फिलहाल मनोज तिवारी इस समय फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं और भाजपा के सांसद के तौर पर वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो उनकी पहली फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला और यह फिल्म उस समय की जानी मानी फिल्म थी। यह फिल्म उन्हें अपनी 31 साल की उम्र में मिली थी और मनोज तिवारी की इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। पांचवें और आखिरी कलाकार रवि किशन की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रवि किशन ने बतौर एक्टर के तौर पर हिंदी फिल्म से डेब्यू किया था। भोजपुरी में उन्होंने बाद में अपना डेब्यू किया था। रवि किशन को उनकी पहली फिल्म 23 साल की उम्र में मिली थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था पीताम्बर। तो दोस्तों, ये थे खेसारी लाल यादव, निरहुआ, पवन, मनोज तिवारी और रवि किशन, जिन्हें इतनी उम्र में उन्हें पहली फिल्म करने का मौका मिला।